हम किचन में जब काम करते हैं ना, तो अगर केयरफुल नहीं रहो ना तो किचन में भी हादसा हो सकता है। तो आज मेरे साथ वही हुआ। हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कामने 108 में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी है सुबह का, मतलब क्या बोले, काम वाम ख़त्म करने के बाद ना मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज लंच में क्या बनाना है, क्या बनाना, आज सैटरडे है तो क्या ही बनाऊंगी। आज बाबू के फरमाइश पे ना बहुत दिनों के बाद मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। आजकल वैसे खिचड़ी खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चावल ना पुराना रहता है, तो पुराना चावल का खिचड़ी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे जहाँ तक है, और ऐसा सभी कोई बोलता है। तो बस मैं वही बना रही हूँ, पर बाबू ने बहुत दिनों से मतलब करके रखा है, हम बना नहीं रहे हैं खिचड़ी, तो मैं इसलिए आज खिचड़ी बना रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, फटाफट से मतलब मैंने एक आलू, सिर्फ एक आलू, और क्योंकि मुझे और बाबू को ही खाना है, और एक दो टमाटर, थोड़ा सा लहसुन अदरक और एक प्याज का पेस्ट, थोड़ा खिचड़ी नहीं खिचड़ी जैसा मसालेदार टाइप का, ऐसा कुछ प्लेन खिचड़ी खाने में भी तो अच्छा नहीं लगा बीमार जैसा, तो मैं वही सब थोड़े से मसाले जो बेसिक्स होते हैं, नमक हल्दी मिर्ची वो डाल दी, और ये सारे मसाले मेरे ना होममेड है, मैं बनाती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। इधर मैं रखने के बाद में थोड़ा सा बर्तन था तो उसको साफ कर ली, क्योंकि सारा काम तो निपटाना पड़ता है फटाफट से, उसके बाद मैं जाऊँगी बाबू को लेने के लिए। और ना इधर दाल चावल को मैं पहले ही धो के रखती थी, और उसके बाद मैं क्या है ना कि थोड़ा सा लग रहा था कि भाई है टाइम, तो मैं ना थोड़ा सा प्याज नहीं, लहसुन मिर्ची और थोड़ा सा एकदम अदरक लेके सबको ना क्या कि मिक्सर में डाल दी, और थोड़ा सा अचार भी, वो एक क्या बोले, अचार मिर्ची का अचार आता है ना भर के, जो मैं बहुत बना के रखी, मेरे पास स्टॉक बहुत है, किसी को चाहिए ना तो ले सकता है मेरे पास से। मजाक कर रही हूँ, पर मेरे पास सच में बहुत सारा स्टॉक है। तो साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ, सो के उठी ना तो फिर थोड़ा सा लग रहा है चाय पियेंगी तो मूड फ्रेश होगा, इसलिए मेरा फेस ना अजीब लग रहा है। तो इधर देखिए मिर्ची का यही अचार बोल रही थी, और मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है। मुझे ना ये मतलब किचन का काम, मतलब क्या बोल, खाना बनाना, अचार वचार बनाना बहुत पसंद है, ये सब मैं करते रहती हूँ फ्री टाइम में। देखे ना ये हुआ मेरा हादसा, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना मिक्सी को लगा दी, और मुझे लगा ना कि ऑन की हूँ तो मिक्सर में चला दी, और देखी तो ऑन नहीं था, और फिर जब मिक्सर चला दी तो उसके बाद ये नहीं भूल गई कि इसको बंद करके फिर वहाँ से ऑन करें, और मैं वहाँ पे सट के एकदम से उसको ऑन की एकदम, मतलब बस यही था कि मैं जार हाथ से पकड़ी हुई थी तो कोई हादसा नहीं हुआ, पर मैं बहुत डर गई। और इधर मैं चाय वाय भी अपना पीली, साथ में खिचड़ी भी बन गया। तो खिचड़ी बनने के बाद ना ये बैगन और पटल का मैं भरता बना रही हूँ, ताकि मतलब क्या है ना ये बना दब के रख दूँगी तो शाम में ही यूज हो सकता है, इसलिए। तो बैठी थी तो सोची कुछ कर लेना, ये बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ, ऐसे शाम में तो हमको लगता है कम चांस है खाना इसको, क्योंकि शाम को हमको थोड़ा बाहर जाना है, बाहर क्या बोलें, थोड़ा हाँ बाहर ही जाना है, तो इस वजह से तो शाम को खाना घर में नहीं खाना है। तो फिर हम लोग खाना वाना दोपहर का खा के, और फिर बोली थी ना शाम को जाएंगे बाहर, तो बाहर गई, फिर उधर से आई तो बारिश यहाँ पे चल रही कई दिन से, 3-4 दिन से, तो मैं भीग गई थी। फिर आई, कपड़ा उपड़ा चेंज की, उसके बाद अभी टाइम हो रहा है ना, कितना बज रहा होगा, 9:30 से ज़्यादा, 9:35 हो रहा है अभी। तो मैं बनाई चाय, और मेरा बाल देख सकते हैं ना भीगा हुआ लग रहा है, तो फिर उसके बाद चाय, इतनी टाइम इसलिए चाय पी रही हूँ ना कि थोड़ा सा ठंडा लग रहा था तो अच्छा लगेगा पीने के बाद। और चाय में चीनी डालना ही भूल गई थी, चाय को अच्छे से पकाने के बाद ना पानी फेरना जिसको बोलते हैं, मैं फिलहाल वही की हूँ, पानी फेर दी अपनी चाय पे। तो मैं चाय में पानी फिर थोड़ा सा फिर चीनी डाली, क्योंकि बिना चीनी का मैं तो ऐसे भी मीठा कम ही पीती हूँ, लेकिन फिर भी क्या हुआ ना कि किचन को भी थोड़ा सा काम करने में भूल गई, बाबू को दूध दूध देना था ना तो दूध दी उसी में भूल गई कि चीनी नहीं डाली हूँ। तो क्या ये सब तो होते रहता है, और उसके बाद चाय बनाने के बाद किचन क्लीन करना, ये सब थोड़ा अच्छा लगता है, साफ सुथरा रहता है, सुबह में उठो तो ज़्यादा वो नहीं रहता मुझे, ज़्यादा मतलब मैसी नहीं अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा कर लेती, मेरे पास ज़्यादा करने का मन नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं कर लेती। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करें ज़रूर बताएं, और
अभी दिवाली की सफाई भी चल रही है, तो आप सभी के यहाँ सफाई हो गया है नहीं हुआ जरूर कमेंट करके बताएं। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें और बताएं। और मैं चलती हूँ, अपनी चाय को इंजॉय करूँगी, साथ में थोड़ा पानी भी पीना है और इसके बाद थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो चैनल पे नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता है। तो चाय पीने के बाद चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।